फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अमावस्या के दिन आपको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि पितृदेव भी शांत हो और घर में सुख शांति का वातावरण उपस्थित हो सके। घर में कलेश, तनाव इत्यादि यदि होता है, कोई परेशानी होती है, तो वो कैसे दूर हो सके, तो मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ। और ये उपाय आप किसी भी मावस को कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा तो पुण्य की प्राप्ति होती है, पितृदेव भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त वैसे तो समय तय किया गया है और वो टाइम है श्राद्ध पक्ष, लेकिन श्राद्ध पक्ष में कोई भी आप कार्य करते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि आपने निवृत्त हो गए और उसके बाद उनके लिए कुछ ना करें। तो जब भी मंथली आती है आपके अमावस्या और उस दौरान आप रेगुलरिटी रखते हैं इस तरह के कार्य करने की, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन सबसे पहली चीज़ है, सबसे जो आवश्यक जो चीज़ है अमावस्या के दिन, प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले पितृदेव के लिए कुछ ना कुछ सामग्री आपको निकालनी चाहिए। और ये परंपरागत तरीके से हर परिवार में कुछ कुछ नियम जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन एक सामान्य उपाय है जो हर कोई कर सकता है और वो ये है कि, और बहुत ही सिंपल और आसान है ये, जब भी आप दूध गर्म करते हैं सुबह सुबह तो उसमें से थोड़ा सा कच्चा दूध आप रख लीजिए, उसमें थोड़ी सी आप शुगर मिला लीजिए, चीनी डाल दीजिए उसके अंदर और उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जब भी आप चाय वगैरह बनाते हैं उससे भी पहले आपको क्या करना है, गैस का चूल्हा जलाना है और उसमें आपको उसकी आहुति देनी है, कच्चे दूध की, चीनी मिले हुए दूध की, और हाथ जोड़कर जो भी आपके परिवार में पितृदेव इत्यादि हैं उनका स्मरण करके, उनको नमस्कार करके प्रणाम कीजिए। इसके अलावा उस दिन आप किसी भी गरीब को खाना खिला सकते हैं और ये आप प्रण भी कर सकते हैं कि आपको 11 गरीबों को खाना खिलाना है या 21 को खिलाना है, या अपनी श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार ये आप बढ़ा भी सकते हैं संख्या। लेकिन यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है या आप नहीं कराना चाहते तो आप एक भिक्षुक को भी या एक गरीब व्यक्ति को भी आप भोजन कराकर उसको तृप्त कर सकते हैं, जितना कि वो खाना चाहे उतना भोजन उसको आप कराइए बिना किसी स्वार्थ के, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बेस्ट उपाय ये भी है कि आप घर में ही पूड़ी बना लें घर में, और वो आटा आपका जो नॉर्मल आटा आप रेगुलर यूज़ करते हैं उस आटे से अलग आटा होना चाहिए, आप अलग से वो आटा लेकर आएँ, आप पूड़ी बनाएं स्वयं अपने हाथों से, फ्रेश तेल वगैरह जो भी सामग्री है सब आपको नई ताज़ा लेनी है, यूज़ की हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है घर के अंदर कि वो पैकेट पहले से खुला हुआ है और वही आपने ले लिया, ऐसा नहीं करना है, नया पैकेट आपको लेना है। और उसमें आपको पूड़ी बनानी है, आलू की सूखी सब्जी बनानी है, इमरती और कचौरी, और उस पर थोड़ा सा दही डालकर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को देकर आ जाइए, या कोई ब्राह्मण इत्यादि भी अगर इस तरह की सामग्री स्वीकार कर लेते हैं, कोई मंदिर इत्यादि के पुजारी भी स्वीकार कर लेते हैं तो ये सामग्री आप उनको भी श्रद्धापूर्वक देकर आ सकते हैं। और इसमें दक्षिणा रखना ना भूलें, दक्षिणा आप अवश्य ही रखें, इससे भी बहुत लाभ होता है। इसके अलावा आप जो सफ़ेद मिठाई होती है, सफ़ेद मावे की बर्फ़ी बिना वर्क चढ़ी हुई, वो ले लीजिए वो भी, और कचौरी, और ये भी आप किसी गरीब को खिला सकते हैं, किसी को भी आप ये सामग्री दे सकते हैं जो कि बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन कभी भी नए कपड़े इत्यादि घर में कोई शानो शौकत की चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई सौदा कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए इस दिन। इस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है, सिर्फ पितरों के निमित्त ही आपको कार्य करना चाहिए। इसके अलावा घर में कोई शानो शौकत की कोई भी चीज़ आपको नहीं लेकर आनी चाहिए, घर में कोई पार्टी उत्सव का आयोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप ये एक काम और कर सकते हैं कि आपको पूरे घर की इस दिन सफाई भी करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जिसके द्वारा घर में गरीबी का निवारण होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पूरे घर की बिल्कुल ऐसे सफाई कीजिए जैसे कि दिवाली की सफाई करते हैं, और उस दिन पूरी सफाई करके झाड़ू को दरवाजे पर उल्टा रख दीजिए और बाद में फिर उस झाड़ू को भीतर ले आइए, एक एक जाला एक एक जगह की आपको सफाई करनी है घर में जैसे आप दिवाली की सफाई करते हैं, और उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे घर से गरीबी, समस्याएं और हर तरह की जो परेशानियां हैं वो लाइफ से दूर होती चली जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती चली जाएगी। तो ये अमावस्या के कुछ खास उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। इसके अलावा आपके कोई पूर्वज हैं, वो महिला हैं, पुरुष हैं, जिनका कि आपको ज्ञात है या अज्ञात है, ज्ञात है तो उसी अवस्था के व्यक्ति को भोजन कराएं,
तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और अज्ञात हैं तो सभी वर्ग के लोगों को आप एक सामान्य रूप से भोजन करा सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, यह बिल्कुल फ्री है।